हाय वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। टोयोटा लेके आ रहा है यारिस, अपनी पहली मिड सेडान कार। यस, अगर आप होंडा सिटी और ह्यूंडई वर्ना या मारुति सियाज प्लान आउट कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि टोयोटा यारिस के अंदर कुछ ऐसी पांच खूबियां मैं आपको बताने वाला हूँ जो इस सेगमेंट में किसी और गाड़ी में नहीं है। तो यारिस की पहली खूबी है, वो है रूफ माउंटेड एसी वेंट। यस, टोयोटा यारिस पहली गाड़ी इस सेगमेंट में होगी जिसमें आपको रूफ माउंटेड एसी वेंट्स मिलेंगे। जो बाकी गाड़ियां हैं होंडा सिटी, ह्यूंडई वर्ना, मारुति सियाज, उसमें आपको मिलते हैं रेयर में एसी वेंट्स, पर वो एसी वेंट्स ड्राइवर और को पैसेंजर साइड के बीच में होते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि गाड़ी में कोई भी आपको फ्लोर हम्प नहीं दिखाई देगा। यस, आपको बिल्कुल फ्लैट फ्लोर दिखाई देगा। कितने इफेक्टिव हैं रूफ माउंटेड एसी वेंट आप ये देख सकते हैं वीडियो में। इसे डेंसो कंपनी बना रही है और मैं डेंसो कंपनी के पास गया देखने के लिए कि ये एक्चुअली क्या है, बिकॉज ये चीज़ का कॉन्सेप्ट किसी और मिड सेडान कार में नहीं है। इसके अंदर आप एयर की कूलिंग के मोड्स चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर आप लाइटिंग के मोड चेंज कर सकते हैं, और एक्चुअली में रात को ये बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। तो टोयोटा इज़ द फर्स्ट कार इन द सेगमेंट विच इज़ ऑफरिंग रूफ माउंटेड एसी वेंट। जो नंबर टू खास बात है यारिस में, वो है इस सेगमेंट के अंदर बेस्ट सेफ्टी फीचर्स। यस, टोयोटा यारिस आपको दे रहा है 7 एयर बैग्स जो इस सेगमेंट में किसी और गाड़ी में आपको नहीं मिलेंगे। ह्यूंडई वर्ना, होंडा सिटी आपको 6 एयर बैग्स दे रहे हैं, पर टोयोटा यारिस आपको दे रहा है 7 एयर बैग्स। उसके अलावा भी टोयोटा यारिस के अंदर कुछ और सेफ्टी फीचर्स है जो जानना ज़रूरी है। इस सेगमेंट की पहली गाड़ी है टोयोटा यारिस जिसमें ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आ रहे हैं। हालांकि ह्यूंडई वर्ना तकरीबन 3 साल पहले ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स देती थी, पर ह्यूंडई ने वो डिसकंटिन्यू कर दिया है। लेकिन टोयोटा यारिस नाउ इज़ द ओनली मिड सेडान कार विच वुड बी ऑफरिंग यू ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स। ब्रेकिंग के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया इफेक्टिवनेस मिलेगी। उसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। यस, टोयोटा यारिस आपको फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर दे रही है और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग आपको मिल रही है। इस सेगमेंट के अंदर अगर आप हाईएस्ट सेफ्टी फीचर्स चाह रहे हैं देन टोयोटा यारिस आपको अनडाउटेडली बेस्ट लगेगी। जो नंबर 3 पॉइंट है टोयोटा यारिस का, वो है इसकी 8-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। यस, इसकी जो सीट कुशनिंग है फ्रंट ड्राइवर साइड पे और को पैसेंजर साइड पे, जो मैंने ऑब्जर्व किया, इट वाज सर्टेनली द बेस्ट इन द सेगमेंट। अगर आप सोच रहे हैं कि होंडा सिटी की सीट्स बहुत बढ़िया है, तो अगर आपने टोयोटा यारिस की सीट्स पे नहीं बैठे तो मेरे ख्याल से आपने मिस कर दिया। और इसके अलावा जो इसकी 8-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है, दिस इज़ अनडाउटेडली द फर्स्ट इन द सेगमेंट। बहुत ही बढ़िया टोयोटा यारिस ने इसमें काम किया है। जो नंबर 4 आपको टोयोटा इसमें ऑफर कर रहा है विंडशील्ड के अंदर, वो पहला ही इस सेगमेंट में है कि उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन, हाई सोलर एनर्जी एब्जॉर्बिंग और अकाउस्टिक वाइब्रेशन कंट्रोल। बेसिकली ये टेक्निकल टर्म्स है, इसका अर्थ ये हुआ आपकी गाड़ी अगर धूप में खड़ी है तो गाड़ी के अंदर इंफ्रारेड रेडिएशन को कार की विंडशील्ड ब्लॉक करेगी। प्लस वो विंडशील्ड का डिज़ाइन ऐसा है कि वो कार के अंदर वाइब्रेशंस और बाहर की आवाज़ मैक्सिमम हद तक आपको रोकेगी, ताकि आपको मिले बिल्कुल साइलेंट केबिन। और जो नंबर 5 और यूनिक थिंग टोयोटा यारिस में है, वो है जेस्चर कंट्रोल ऑन टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम। मैं अगर आपको बताऊं, जेस्चर कंट्रोल बड़ी ही हाई एंड कार्स में आता है और टोयोटा यारिस में भी आपको ये फीचर मिलने वाला है। इनफैक्ट ये 5 चीज़ें टोयोटा यारिस को इस सेगमेंट में बाकी गाड़ियों से डिफरेंशिएट करती है। और अगर आप मिड सेडान कार प्लान आउट कर रहे हैं तो रुक जाइए, बिकॉज टोयोटा यारिस की बुकिंग स्टार्ट हो रही है मई 2018 में। और अगर आप चाह रहे हैं मिड सेडान कार प्लान आउट करना, इट वुड बी वर्थ टू वेट फॉर टोयोटा यारिस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन केस आपको पसंद आता है, प्लीज़ डू अपवोट फॉर इट। और आपने अगर माय कार हेल्पलाइन चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करिए। आपके कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हु आर लुकिंग टू बाय मिड सेडान कार, उनसे ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।